कराची समेत सिंध में कोरोना वायरस की चौथी लहर बेकाबू। वजीर आला सिंध की जेर सदारत टास्क फोर्स इजलास में बड़े फैसले। सूबे भर में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज, पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। सिंध हुकूमत की जानिब से नई पाबंदियों का इतलाक आज से किया गया है। अगले हफ्ते से इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। रेस्टोरेंट्स कम से कम अमले के साथ सिर्फ डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे, जबकि टेक अवे की भी इजाजत नहीं होगी। वैक्सीन न लगवाने वालों को 31 अगस्त के बाद तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। वजीर आला सिंध ने बताया कि ग्रोसरी, डेयरी, सब्जियों और गोश्त की दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। जबकि बड़ी ट्रांसपोर्ट बंद और छोटी ट्रांसपोर्ट का पहिया चलता रहेगा। फैसलों के मुताबिक यूटिलिटी कंपनियां, म्यूनिसिपल दफातर, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी खुली रहेगी। पोर्ट पर भी काम नहीं रुकेगा, लेकिन अमला कम से कम रखने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कम अमले के साथ कारोबार करने की भी इजाजत दी गई है।